उसी तरह बच्चे ने अगर स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया और अगर वो नहीं जीता, नंबर वन आया, टू आया, थ्री आया, नहीं आया ही नहीं गेम में, जब आप स्पोर्ट्स देखो उसे दोबारा कॉन्फ्रंटेशन पे आते हैं, आमने सामने आते हैं, उसको उसी तरह गले लगाए, प्यार करें, क्योंकि उसने परफॉर्म किया, पार्टिसिपेट किया है, दैट इज इम्पोर्टेंट। जो ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, परफॉर्म ही नहीं करते, तो सोचें कि एक बच्चा जो परफॉर्म कर रहा है, एक बच्चा जो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, एक बच्चा जो मैदान के अंदर आके हिम्मत करके 10 का मुकाबला कर रहा है, एक जो कुर्सी पे बैठा तालियां बजा रहा है, कितना फर्क है। एक बच्चा जो जीते जा रहा है, जीते जा रहा है, जीते जा रहा है, एक बच्चा जो जीत रहा है, हार रहा है, हार रहा है, जीत रहा है, इसकी इमोशनल स्ट्रेंथ, इनकी इनका वेरिएशन देख लो कि कितनी डिफरेंट है। तो अपने बच्चों के अंदर ये प्रेशर मत बिल्डअप करें कि जीतना है लाजमी, फर्स्ट आना है लाजमी, कोई बात नहीं। आप मेहनत पे जोर दो, परफॉर्मेंस पे जोर दो, डिसिप्लिन पे जोर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर जाकर बनाओगे, यार आप रिस्पॉन्सिबल हो अपने हर काम के लिए और आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीजों को करना है, लाजमी करना है। उसके ऊपर आपको डांट पड़ेगी अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई, मार्क्स पर डांटनी पड़ेगी, मार्क्स पर खिंचाई नहीं होगी,